हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप भी मेरी तरह गार्डनिंग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यारे प्यारे पर्सलेन के फ्लावर्स मेरी बगिया में खिले हैं। और ये देख सकते हैं, एक छोटे से मैंने ओल्ड पुराने मग में जो है इस कटिंग को लगाया था, और अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो बस आज मैं इसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक। और अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले इसे कहते हैं पर्सलेन, और इसे जो है 9 o'clock भी कहा जाता है, क्योंकि ये फूल जो है सुबह 9 बजे के करीब खिलना शुरू हो जाते हैं और दोपहर तक जो है ये फूल बंद भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है इनके फूलों की। लेकिन जब ये फूल एक साथ इस तरह गुच्छों में खिलते हैं प्लांट पर, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये गर्मियों से लेके सारी बरसात तक फ्लावरिंग करता है प्लांट। बहुत ही खूबसूरत से इसमें फ्लावर्स होते हैं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। और ये वाली जो वैरायटी है फ्रेंड्स, ये कुछ अलग ही है। आप देख सकते हैं इनके पेटल्स, देखिए कैसे थोड़े से कर्ल्ड हैं। नॉर्मली जो पर्सलेन के फ्लावर्स होते हैं वो 5 पेटल्स के होते हैं, आपको तो पता ही होगा, और बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं। लेकिन ये वाली जो वैरायटी है मेरे पास, ये थोड़ी अलग है। इसमें मल्टी कलर्ड है और इनके जो पेटल्स हैं ये थोड़े कर्ली हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये फूल आधा ही खिला हुआ है। तो मुझे जो है ये फूल पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादा हमें मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती और सारी गर्मियों में ये हमारी बगिया में रंग बिखेरते ही रहते हैं। ये देखिए, हर छोटे छोटे कंटेनर्स में मैंने जो है इनकी कटिंग्स लगाई हुई हैं, और बहुत आसानी से जो है ये कटिंग से चल जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हर गमले में अब जो है मेरे गार्डन में इसकी कटिंग लगी ही है। ये छोटे छोटे पॉट्स में मैं इनकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ, तो बगिया के हर कोने में इनके छोटे छोटे जब फूल खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप भी ज़रूर अपनी बगिया में समर के टाइम पे ज़रूर इनको लगाइए, ताकि आपकी बगिया भी इन फूलों से भर जाए। और बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत कलर्स इनमें पाए जाते हैं। आजकल तो हाइब्रिड वैराइटीज़ भी आ गई हैं, मल्टी कलर भी आ गए हैं। तो आप जो कलर चाहें नर्सरी से ले आइए और लगाइए। अगर आपके किसी के फ्रेंड के घर में या रिलेटिव के घर में आपको ये प्लांट दिख जाए, तो वहाँ से आप कटिंग्स मांग के ले आइए, और कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है फ्रेंड्स। तो इसे ज़रूर आप अपने गार्डन में लगाइए। और ऑलरेडी मैं जो हूँ इसकी केयर के ऊपर डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ज़्यादा कुछ जानकारी इस वीडियो में नहीं दूंगी, बस आपके साथ ये फ़्लावर्स शेयर करने थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये तो बस एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसे ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए होती है। इसे ज़रूरत होती है तो अच्छी सनलाइट की। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ किसी भी प्लांट की ग्रोथ के बारे में, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसकी फ्लावरिंग तब ज़्यादा अच्छी होती है जब इसके ऊपर बरसात का पानी गिरता है। बरसात के मौसम आने पर ही इसमें ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, गर्मियों में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इतनी ही इसकी केयर है कि आप इसे थोड़ा सा पानी दीजिए, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दीजिए और बहुत सारी सनलाइट दीजिए, और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा।